हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज़ विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आप सर्च करिए एट द रेट मसी मसी MASIH अंडरस्कोर विशाल, ठीक है? ये मेरी इंस्टा की आईडी है, प्लीज़ आप मुझे आके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स पूरे क्लियर कर दूंगा, ठीक है? एट द रेट मसी से अंडरस्कोर विशाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर 11 है। मैं अब आज से अब क्या करूँगा, आपका जो पार्ट भी है स्टैटिस्टिक्स है, बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है आपका, वो भी कवर करता चलूँगा, और आपका जो बेसिकली थ्योरी पार्ट है उसको भी साथ साथ चलाते रहेंगे, सो दैट आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। जिसका जो है स्टैट्स चल रहा है स्कूल में, वो स्टैट्स पढ़ सकता है, और जिसका जो है थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं टीचर्स, आप थ्योरी पार्ट समझ सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है? तो हमारा जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11, देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है? इट वाज अ वेरी वेरी यू कैन से अ रेवोल्यूशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये क्या है, देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन आपको मतलब क्या होता है, लिबरल कर देना, किसी को फ्री कर देना, ठीक है? हमने अपना क्या किया, मार्केट को फ्री किया, और उसके ये जो और जो ये फ्री करना था ना, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज था, ठीक है? और ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत बहुत बेनिफिट हुआ इसे। और जानते हैं किसने किया ये किया आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। देखिए कोई भी इकोनॉमिस्ट हो ना, या कोई भी जो जिसे नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, या कोई भी इकोनॉमिक्स टीचर्स हैं बेसिकली, उनको ये अच्छे से पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो क्या कंट्रीब्यूशन क्या था। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो 1990 से शुरू हुआ था, ठीक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो पीएम हमारे 2010 में बने थे, है ना, 2010 के आसपास, ठीक है? नहीं, 1991 में आप कह सकते हैं, या 1990 के उस पीरियड में ये फिनेंस मिनिस्टर थे, फिनेंस मिनिस्टर थे ये, और ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी नॉलेज थी इनको इकोनॉमिक्स की। आरबीआई के गवर्नर भी थे, फिर फिनेंस मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, और आखिरी में पीएम भी बने। तो वन ऑफ द इज अ लेजेंड, एंड रियली ही टुक आउट द इकॉनमी फ्रॉम द ग्रेव, ठीक है? 1990 में जो हालत थी ना इंडियन इकॉनमी की, आप सोच भी नहीं सकते। अभी डिस्कस करेंगे इसमें, आपको पता लगेगा। फाइन, चलिए तो थोड़ा मैं इंट्रो पे आप देख लीजिए, क्योंकि हमें आपका स्टिक रहना है आपकी सिलेबस से। द ईयर 1991 मार्क्ड एज अ वाटर शेड प्रो इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। तो मैं आपको बताऊं कि 1991 ना इंडिया के लिए बहुत बहुत जो आपके लिए बहुत बेकार था। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे इस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, ठीक है? इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी, 20% में भी, 12% 15%, जो कि नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, आपकी 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए, लेकिन तब डबल डिजिट में थी। दूसरी बात थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थी भैया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, अभी भी हाई है, अभी भी हम फेस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो तब भी थी। और दूसरी बात था, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप 12th चैप्टर में पूरा, आपका एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो आप दूसरे कंट्री के साथ करते हैं। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और मान लीजिए कैनेडा है, तो इंडिया से जितना भी सामान यहाँ भेजा जाएगा, जितनी भी वैल्यू का, और जितना भी इस कंट्री से, बाकी जितनी भी कंट्री से, नॉट इवन कैनेडा, यूएस, जापान, रशिया, वॉट एवर में भी, और जितना वहाँ से आएगा, देखिए इंडिया भेजता भी है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, और इंडिया जब उनसे लेता है उन्हें बोलते हैं इम्पोर्ट। तो हमारी क्या थी, इम्पोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी एक्सपोर्ट से, है ना? हम बहुत ज़्यादा मतलब सामान बाहर से लेते थे और देते उनको कुछ नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, है ना? जब हम जो बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड के जो ट्रांजैक्शन है, जब हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो हमारा नेगेटिव में था। जब भी आपका इम्पोर्ट हाई होता है एक्सपोर्ट के, तो उसे आपका क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव में माना जाता है देश का। तो वो भी बहुत हाई था। अब वो इसलिए हुआ कि जो आपकी गल्फ कंट्रीज थी ना, गल्फ कंट्रीज थी, वो वॉर चल रहा था वहाँ पे आपस में, सऊदी, कुवैत वगैरह, वो जो आपकी वो गल्फ कंट्रीज है ना, उनमें आपस में वॉर चल रहा था।
अब आपस में वॉर चलेगा, तो इंडिया जो है आपका जो कंट्री इंडिया है, हमारी इंडिया, वो क्या करती है, ऑयल इनसे ही लेती है, इन कंट्री से लेती है, इन गल्फ कंट्री से, ये गल्फ कंट्री से सारी जो आपस में लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्होंने ऑयल प्रोड्यूस करना कम कर दिया क्योंकि वो बिजी हैं अपने वॉर करने के लिए। तो अब तेल जो है महंगा हो गया, आपको पता है कि सप्लाई कम हो जाती है, तो और डिमांड हमारी हाई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें जो महंगा तेल मिलने लग गया इनसे, क्योंकि सप्लाई इन्होंने कम कर दी, ठीक है। उसकी वजह से आपको पता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गया, क्योंकि हम जो ऑयल है इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और अभी भी आयात करते हैं, इस समय भी आयात करते हैं, इंडिया प्रोड्यूस उतना अपने लेवल पे अपने लिए भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी सी पिक्चर समझ में आ रही हो कि देश कितने प्रॉब्लम में चल रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमारे देश को निकाला इस पॉलिसी को ला के, LPG पॉलिसी, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है आपका, ये आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल क्या मतलब होता है, अपने मार्केट को फ्री करना। प्राइवेट क्या मतलब होता है, कि प्राइवेट जो सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेट कर देना। और ग्लोबलाइजेशन होता है कि जब बाकी कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़ा देना। तो ये जो पॉलिसी थी ना, इस पॉलिसी ने बिल्कुल आप कह सकते हो कि टर्न्ड अ माइलस्टोन इन अ कंट्री, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फाइन, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये, आपको इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये लिबरल पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके ही आपको फीचर्स पढ़ने हैं, इसके एडवांटेजेस पढ़ने हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बेसिकली इन तीनों पॉलिसी के हम फीचर्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, और बाद में थोड़ा बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी था हमारी कंट्री में, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है क्या कह सकते हैं कि जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, थोड़ा बहुत आपको यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि लिबरलाइजेशन होती क्या है, पॉलिसी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बाय लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल। बेसिकली लिबरल कर मतलब अपनी जो कंट्रोल है, लाइसेंस है, परमिट है, वो कम कर दिया गवर्नमेंट ने। अब पहले क्या होता था, 1990 से पहले आपको हर चीज़ करने के लिए पहले गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए था, गवर्नमेंट का परमिट चाहिए होता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री कर दिया कि अब आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ही जो ऐसी चीज़ें हैं हेल्थ के रिगार्डेड या अल्कोहल, सिगरेट, इन्हीं के जो प्रोडक्शन है, इन्हीं की जो सेल है, इन्हीं की जो सप्लाई है, उसी पर इन्होंने जो लाइसेंस परमिट रखे, वेरस बाकी जो गुड्स थे जो अच्छा ही थे उसको फ्री कर दिया, ठीक है, ताकि उनका प्रोडक्शन हाई हो सके। और जब प्रोडक्शन हाई होगा, आपको पता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट से इनकम मिलेगी, इनकम से हमारी जो प्रॉस्पेरिटी कंट्री की बढ़ जाएगी। दूसरा काम किया इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, देखिए प्राइवेटाइजेशन होता है आपका कि आप क्या करते हो, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से सरकारी कंपनी से उसको कम करते जाते हो, या उसमें क्या करते हो, आप अलाउ कर देते हो कि आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी से इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो बेसिकली क्या किया, जो सरकारी कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया, मतलब काफ़ी जो सरकारी कंपनीज थी उसको जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी उसे प्राइवेट सेक्टर में हाथ में दे दिया, और प्राइवेट सेक्टर ने उसे बहुत अच्छे से चलाया। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री की ग्रोथ हुई। तीसरा हमारा लास्ट है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब होता है, अपने खुद की जो इंडियन इकॉनमी है या डोमेस्टिक इकॉनमी है, इसको ओपन कर दिया, सबके लिए ओपन कर दिया, कि बाहर की कंपनी भी आके इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, यहाँ पे कंपनी खोल सकती हैं। तो आप बोलोगे सर ये पहले क्यों नहीं होता था, देखिए 1990 से पहले नहीं होता था। 1990 से पहले सरकार बहुत मुश्किल से किसी बाहर की कंपनी को अंदर आने देती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हिस्ट्री हमारी ऐसी रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, याद है, हमारे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया था। तो ये सरकार 1947 के बाद ना डर गई कि अगर हम फिर से किसी कंपनीज को अलाउ करते हैं, पता लगे इन्होंने हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में क्या कह सकें कि इंटरफेयर करने लग जाएं, तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने 1990 तक, आप सोच सकते हैं 1947 से 1990 तक उन्होंने अलाउ ही नहीं किया बाहर की कंपनीज को। लेकिन जब 1990 में हमें लगा कि अब UN आ गया है, अब ऐसा नहीं होगा, कोई कंट्री अब ऐसा कर भी नहीं रही थी, ठीक है, बेसिकली दी वी वर हेडिंग टुवर्ड्स अ पीस, तो तब कंट्री हमें इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि हमें अब फ्री कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये थोड़ा और पहले फ्री किया होता ना इसको, तो आज कंट्री में थोड़े और अच्छे चेंजेस देखने को मिलते। खैर ये मेरा अलग अपना ओपिनियन है। चलिए तो 1990 में आप क्या है, जो दे रहा है दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, 1990 में समझ में आ गया इंडिया को कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश ने क्या किया, जो हमारा कंट्री है, बाकी कंट्रीज़ के लिए फ्री कर दिया।
मतलब आके यूएस की कंपनी भी आ सकती है, रशिया की कंपनी भी आ सकती है, चाइना की तो बहुत आ गई, ठीक है, अदर कंट्री जापान की, ठीक है, जितनी कंपनीज है वो सब आके इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। अब जब इन्वेस्ट करेंगी तो इंडिया में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये थी हमारी, तो इंडियन इकॉनमी आपको सबसे पहले पता है कि डेवलपिंग इकॉनमी है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल बैकवर्ड इकॉनमी माना जाता है। 1947 से ही हम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। दो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इंडस्ट्रीज़ को उठाने के लिए, लेकिन स्टिल अभी भी हम एग्रीकल्चर पे, आज की डेट में भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि इत सही है, लेकिन इतना सही नहीं है क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि इसमें लगी हुई है, लेकिन उससे जो पैसा है वो बहुत कम आता है, ठीक है। तो दूसरी बात है, उस समय और क्या प्रॉब्लम चल रही थी, देखिए इंडिया में एक तो हमारी जो 1947 से एक तो स्टैगनेंट है, जल्दी बढ़ती नहीं है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बढ़ती नहीं है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, हाई लेवल्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी गरीबी बहुत थी, इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी, तो सब कुछ आप कह सकते हो कि सब कुछ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी यहाँ तक बहुत कम थी। तो आप सोच सकते हैं ये हमारी जो पूरी प्रॉब्लम दिखाता था भारत की अर्थव्यवस्था की 1947 के बाद, और अभी भी बहुत इसमें अभी भी ये चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब 1951 में इकॉनमी हैज़ बिन पुट फॉरवर्ड टू मूव, तो 1951 में धीरे धीरे हमने चेंजेस लाने शुरू किए, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ने धीरे धीरे उसको, आपने कह सकते हो कि धीरे धीरे आपके गुड परफॉर्मेंस दे स्टार्टेड शोइंग, ठीक है। ये हमारा जो है इंट्रो हम बेसिकली कवर कर रहे हैं, और तो लेकिन इसके बाद भी स्टिल हमारी कंट्री है जो है, क्या कह सकते हैं, वो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, या कह सकते हो डेवलपिंग इकॉनमी है अभी भी, और अभी भी है, ठीक है। अभी भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम कम है, अभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई नहीं है, अभी भी बहुत गरीबी है, मैसिव पॉवर्टी है इस समय कंट्री में, ठीक है, ओके। सो देयर इज अ लार्ज इनइक्वालिटीज इन द इनकम, तब भी थी और अभी भी, लेकिन कम हो गई है पहले से, ऐसा नहीं है कि पहले से थोड़ी कम हुई है, काफ़ी कम हुई है बेसिकली, ठीक है। सो द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी भी एग्रीकल्चर आपका मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अबाउट द 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डाटा इन 2016, अभी भी बहुत हाई पॉपुलेशन आपकी 45 से ज़्यादा ही है, 50% के बीच में आपके एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, बाकी सेक्टर्स अभी कितना वीक हैं आपके, फाइन, ठीक है। तो और देर इज अ और उस समय, और इस समय भी प्रॉब्लम कह सकते हैं, और 1947 से ही प्रॉब्लम चलती आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। तो देर इज अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सब बहुत इनएडिक्वेट, ठीक है, बहुत पुअर क्वालिटी में थे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंडिकेटेड बाय द लोअर एक्सपेक्टेंसी, हाइयर डेथ रेट थोड़ी कम हुई है हमारी, सोशल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडियन इकॉनमी नॉट कंडक्टिव टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 1947 के बाद की हमारी स्टोरी है हमारी अर्थव्यवस्था की, और ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ठीक है, 2020 में है, ऐसा नहीं है कि हम अभी भी फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है वो एक बात अलग है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने वाला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, मैंने बेसिकली इंट्रो पढ़ा दिया आपको, ठीक है, इसके बाद हम मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है, ये इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखिए ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी है मिक्स्ड इकॉनमी है, थोड़ा बहुत डाटा है आप इसमें से खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे जो इसमें मेन आपको कवर करना है, एलपीजी, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस, तो इसके एक क्वेश्चन आएगा कि आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, ठीक है, इसके दो इसके फीचर्स बताओ, दो एडवांटेजेस बताओ, दो डिसएडवांटेजेस बताओ, ऐसे 2 2 मार्क्स या 3 3 मार्क्स में भी क्लब करके आ सकते हैं। ऐसे प्राइवेटाइजेशन का एक पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, या 6 मार्क्स का आ सकता है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ऐसे 6 मार्क्स का आ सकता है व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ऐसी ग्लोबलाइजेशन का आ सकता है कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, इसके एडवांटेजेस बताइए, इसके फीचर्स बताइए और इसके डिसएडवांटेजेस बताइए। तो ये 6 6 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन, और ऐसे ही फिर 3 क्वेश्चन ये हो गए 6 मार्क्स के, इसके 3 हो गए, तो 6 3 जा आप कह सकते हो कि 3 3 3 जा 9, तो 9 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के बनते हैं, और बाकी आपको डीपली आप इसको पढ़िए, आपके 2 मार्क्स के उसमें से डेफिनेशंस कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका, और 3 मार्क्स के में इसके अगर आएगा कि लिबरलाइजेशन आपका
कि व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, इसके तीन फीचर्स बता दो, तो थ्री मार्क्स में आपको बेसिकली तीन फीचर्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और सिक्स मार्क्स में आपको फाइव पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, दैट इज़ मोर देन इनफ। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। सो हमने इंट्रो पार्ट अपना क्लियर कर लिया, आपको पढ़ा दिया, तो प्लीज़ इसे एक बार जाके एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।